नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जनवरी रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना बेकाबू हो गया है। एक सप्ताह में ये केस 5 गुना तक बढ़ गए। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो पूरे प्रदेश में 301 केस मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले 192 जयपुर में मिले हैं। इससे जयपुर में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान की रिपोर्ट पर नजर डालें तो आज जयपुर के अलावा जोधपुर में 32, अलवर में 14, कोटा में 13 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा भीलवाड़ में 9, भरतपुर में 8, उदयपुर में 5, अजमेर में 6, गंगानगर बीकानेर में 4-4, सीकर धौलपुर में 3-3, झुंझुनू प्रतापगढ़ टोंक में 2-2 और पाली दौसा में 1-1 मरीज मिला है। इस साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सीएम का चेहरा घोषित नहीं करेगी। कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने अपवाद को छोड़कर किसी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां कहीं पर भी सीएम फेस घोषित नहीं किया है। सब जगह सामूहिक लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा। रघु शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। गुजरात में कोरोना का कुप्रबंधन सबसे ज्यादा रहा था। नववर्ष के स्वागत में देश भर के पर्यटक पिंक सिटी जयपुर में पहुंचे। पर्यटन स्थलों पर भारी तादाद में पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। पर्यटकों का सबसे आकर्षित पर्यटन स्थल विश्व विरासत में शामिल आमेर महल में पर्यटकों की धूम देखी जा रही है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। आमेर आने वाले रूट को एक तरफा किया गया ताकि रोड पर वाहनों का जाम नहीं लग सके। यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। राजस्थान में नया साल जलदाय विभाग के लिए नई चुनौतियां लेकर आया है, लेकिन पिछले 3 साल में PHED ने जो उपलब्धियां हासिल की वो भी मीडिया से सामने रखी। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि अगस्त 2019 में JJM के लागू होने से पहले प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन की संख्या 11,74,131 थी। साथ ही मंत्री महेश जोशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान से फिर भी JJM में उचित राशि नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने JJM की शुरुआत से अब तक 10,39,949 परिवारों को हर घर जल कनेक्शन की सुविधा और प्रदान कर दी है। अब प्रदेश में 22,14,000 से अधिक परिवारों को हर घर जल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। राजधानी जयपुर में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 3 जनवरी से सख्ती बरतने का ऐलान किया गया है। गत दिवस आज जिला प्रभारी सचिव सुधांश पंत ने जिला कलेक्ट्रेट में पुलिस, मेडिकल, नगर निगम समेत तमाम विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाने के लिए जयपुर में रोको टोको अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए पूरे जयपुर शहर में विशेष रूप से 200 पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए जाएंगे। वहीं जयपुर में ऐसे हॉस्पिटल जो कोविड मरीजों के इलाज के लिए चिन्हित हैं, उनमें बेड की रियल टाइम उपलब्धता की जानकारी आमजन को उपलब्ध करवाने के लिए फिर से पोर्टल शुरू करने के लिए कहा है। राजस्थान में कोरोना ने जहां ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था, वहीं अब धीरे धीरे सब वापस पटरी पर लौट रहा है। यात्रियों ने एक बार फिर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रेल से यात्रा करना शुरू कर दिया है। वहीं कई ट्रेनें जिसकी रफ्तार अब तक थमी हुई थी, उनका भी आवागमन शुरू हो गया है। पिंक सिटी जयपुर में भी करीब 94% ट्रेनें पटरी पर लौट आई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर मंडलों की 100 से अधिक ट्रेनों में जनरल टिकट और MST शुरू कर दी गई है। वहीं 80% यात्री भी ट्रेन यात्रा की तरफ लौट आए हैं। जयपुर स्टेशन पर रोजाना करीब 45,000 यात्री सफर कर रहे हैं। जयपुर से भोपाल, आगरा, जोधपुर, उदयपुर सहित अन्य रूट की ट्रेनों में प्रारंभिक स्टेशन से आखिरी स्टेशनों तक जनरल टिकट जारी किए जाने लगे हैं। कोटा में कोरोना संक्रमण तेज गति से फैलने लग गया है। कोटा में शनिवार को 13 नए रोगी सामने आए हैं। इस तरह एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। राजस्थान में एक्टिव केस 1,247 हो गए हैं। राज्य में एक ही दिन में 301 नए कोरोना रोगियों की पहचान हुई है। जयपुर जिले में सबसे ज्यादा 196 मामले आए हैं। जोधपुर में 32 और अलवर में 14 रोगी मिले हैं। कोटा जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए
हर स्तर पर लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ही वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना होगा। राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री और पोकरण विधायक शाले मोहम्मद ने कहा कि भणियाणा उपखंड क्षेत्र में पोकरण फलसूंड पेयजल लिफ्ट परियोजना के अधिकारियों की पूरी मॉनिटरिंग नहीं हुई, जिसके कारण कई जगहों पर अवैध कनेक्शन हो गए हैं, जिससे अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंच रहा है। मंत्री शाले मोहम्मद ने शुक्रवार को नगर पालिका सभागार में पानी, बिजली, कृषि व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए लिफ्ट परियोजना के अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। पाली शहर के मानपुरा भाकरे स्थित स्कूल में सेवा भारती की ओर से स्टूडेंट के लिए दरियां उपलब्ध करवाई, जिसमें छोटे बच्चों को अब जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत धर्म जागरण प्रमुख देवेंद्र किरण पोरवाल जिलाध्यक्ष सेवा भारती के सानिध्य में शनिवार को कार्यक्रम हुआ, जिसमें 65,000 रुपए की दरियां स्कूल में दी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई सीबीआई रेड के तार दिल्ली दरबार से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तेज तर्रार केंद्रीय मंत्री को काबू में करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। पिछले कुछ सालों से केंद्रीय मंत्री के बयानों से कई बार केंद्र सरकार के लिए असहज जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। सरकार को जवाब देते नहीं बनता, जबकि केंद्रीय मंत्री के बयानों को विपक्ष की ओर से बड़ा मुद्दा भी बनाया जाता है। ऐसे में 5 राज्यों के चुनावों से ठीक पहले मंत्री को काबू करने के लिए उनके और मध्य प्रदेश के सीएम के करीबी ठेकेदार पर एक्शन के जरिए सियासी संदेश दिया गया है। देखना रोचक होगा कि उनके बयानों पर ब्रेक लगता है या नहीं। कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए डोटासरा के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया है। डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को 20-सूत्रीय कार्यक्रम से जोड़कर वैधानिक दर्जा देने की बात कही है। इसके बाद जिला अध्यक्ष भी जिला कलेक्टरों के साथ बैठकर प्रभारी मंत्री की भूमिका में वे काम कर सकेंगे। इस बयान पर प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि इस तरह तो प्रदेशाध्यक्ष को भी 20-सूत्रीय कार्यक्रम से जोड़ देना चाहिए, और जब प्रदेश में मुख्यमंत्री कैबिनेट की मीटिंग नहीं ले तब प्रदेशाध्यक्ष ही कैबिनेट की मीटिंग भी ले ले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसपीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।